गाइस बैकग्राउंड में रश सिंह जान। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोडी की हेल्प की रॉकी मदर ने, और फिर एंड गाइस हमारी मर्सिडीज मोना ने कुछ अजीब सी चीज़ कह दी है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। और गाइस ब्लड लाइन के और भी मेंबर आने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक देखना एंड चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो फर्स्ट अपडेट गाइस बहुत जुड़ी हुई है कोडी रोड ने। आपको पता है रॉकी मदर के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला, बिकॉज ऑफ द रीज़न वो एक फेस करेक्टर है, दैट्स वाई दे नेवर टॉक एब्यूजिव वर्ड फॉर जिम रॉस्टर। का कहना ये है कि उस टाइम के सबसे टॉप स्टार में से नाम था शेंटम बेंजमैन का, एंड शेंटम बेंजमैन इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टार एवर, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस के साथ उस तरीके से, जिसके कारण उन्हें वो लेवल का पुश नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ है भाई, शेंटम बेंजमैन ने NJPW में ब्रॉक लेसनर के साथ भी टैग टीम बना चुके हैं। तो गाइस ये अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे जे और जिमी के मैच से। तो रिकीशी ने कहा कि ये मैच होना ही एक बड़ी हिस्ट्री है। दिस मैच इज मेकिंग फॉर बाय WWE एट रेसलमेनिया, दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन करियर ऑफ जिमी एंड जे उसो। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है एज स्टाइल ने कहा कि पहले टाइम में जब विंस मैकमैन थे तो तब ऐसा होता था कि करेक्टर को जो दे दिया गया, लेकिन अब ऐसा है कि करेक्टर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है, मतलब आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो थोड़े से बदलाव भी कर सकता है। तो ये कहा एज स्टाइल ने, क्योंकि ट्रिपल एच बने न्यू CEO, तो वो ऐसे कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं जो विंस मैकमैन पहले नहीं करते। जिम रॉस्टर का कहना ये है कि उस टाइम के सबसे टॉप स्टार में से नाम था शेंटम बेंजमैन का, एंड शेंटम बेंजमैन इज़ वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टार एवर, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस के साथ उस तरीके से, जिसके कारण उन्हें वो लेवल का पुश नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ है भाई, शेंटम बेंजमैन ने NJPW में ब्रॉक लेसनर के साथ भी टैग टीम बना चुके हैं। तो गाइस ये अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे जे और जिमी के मैच से। तो रिकीशी ने कहा कि ये मैच होना ही एक बड़ी हिस्ट्री है। दिस मैच इज मेकिंग फॉर बाय WWE एट रेसलमेनिया, दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन करियर ऑफ जिमी एंड जे उसो। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है एज स्टाइल ने कहा कि पहले टाइम में जब विंस मैकमैन थे तो तब ऐसा होता था कि करेक्टर को जो दे दिया गया, लेकिन अब ऐसा है कि करेक्टर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है, मतलब आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो थोड़े से बदलाव भी कर सकता है। तो ये कहा एज स्टाइल ने, क्योंकि ट्रिपल एच बने न्यू CEO, तो वो ऐसे कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं जो विंस मैकमैन पहले नहीं करते थे। बस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है मर्सिडीज मोना से। मर्सिडीज मोना ने कहा जब उन्होंने AEW में डेब्यू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि वो स्टोन को स्टीव ऑस्टिन की तरह फील कर ली थी, तो उनके फैंस ने उस पर उन्हें स्टोन को स्टीव ऑस्टिन के फैन ने पोक कर दिया है, एंड उन्होंने कहा कि तू केविन ओवेंस की तरह कर रही होगी। केविन ओवेंस ने एक बार स्टोन को स्टीव ऑस्टिन का मतलब करैक्टर लिया था और गेमिंग करके आए थे। तो गाइज मर्सिडीज मोना ये चीज़ कही, और गाइज अब रॉक ने ये कहा है कि ब्लड लाइन उनकी वजह से और कूल हो चुकी है। एंड गाइज लेकिन गाइज आपको पता है ब्लड लाइन जब सेमी जेन थे तब किस लेवल पे थी और अब किस लेवल पे, तो मान के चलो रॉक के आने के बाद आईबॉल तो अट्रैक्ट हुई हैं, लेकिन गाइज जो पहले थी ब्लड लाइन नेक्स्ट लेवल पे अब वो है, बट उससे भी ऊपर जाने वाली है। तो गाइज लेंस नोवा जो मतलब समोन फैमिली के, जो एक बार सेमी जेन के साथ हमारे विंस मैकमैन के बेटे के साथ फाइट भी कर सकते हैं, फ्यूड भी देख चुके हैं। तो गाइस उन्होंने एक अपनी पिक अपलोड की जिसमें आप देख सकते हो कितने ये मतलब हो चुके हैं लीन, मतलब की बॉडी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। एंड भाई साहब आपको पता है ब्लड लाइन के बहुत से मेंबर हैं, जेकब फाटू बहुत सारे ब्लड लाइन के मेंबर हैं जो आ सकते हैं एंड डेब्यू कर सकते हैं WrestleMania 40 में, एंड बहुत सारे प्लान्स हैं WrestleMania 40।